अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ यखनी वाइट पुलाव। आइए और देखिए। अभी मैं ये सब खड़े मसाले ली हूँ, उसको जरा फ्राई कर रही हूँ, और चार कांदे लिए और उसको अच्छे से ब्राउन करूँगी मैं, डार्क ब्राउन, एकदम ही डार्क नहीं, लाइट, अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये, सिंपल है यखनी पुलाव। और साथ में मेरी बेटी भी खड़ी है देखते हुए, वो भी मेरी हेल्प कर रही है मम्मा। मेरे ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, अच्छे से फ्राई करेंगे हम। इसमें मैंने अपने हिसाब से मिर्ची ली हूँ चार पांच, और चार बड़े बड़े कांदे, आधा किलो गोश्त है। तो प्याज को अच्छे से फ्राई होने दीजिए। अभी देखिए ये प्याज पक गई है, और अभी मैं ये गोश्त डाल रही हूँ। तो अच्छे से मैं प्याज के साथ भूनूंगी, बहुत टेस्टी लगता है ये यखनी वाइट पुलाव। एक ही बार बनाओ, फिर आपके घर वाले बोलेंगे क्या बनाए आपने, यकीन से बोल रही हूँ मैं। अब इसको इससे एक बार अच्छे से फ्राई होने दो, भुनने दो प्याज के साथ। अभी इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, एक चम्मच बड़ा। नहीं, एक चम्मच बड़ा डाल के मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छे से मैं भूनूंगी अदरक लहसुन के साथ। ये देखिए अभी मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, इतनी भूनने का है गरम मसाला भी। अच्छे से इसको भूनो गरम मसाले को, नहीं डालो ना गरम मसाला। अभी मम्मा डाली, ये डाल रही है, इसको अच्छे से भून रही हूँ। अभी मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ, ये 100 ग्राम दही होगा। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। इसको मैं 10-15 मिनट तक भूनते रही हूँ, और फिर उसके अंदर मैं भरपूर कोथमीर डाल रही हूँ। कोथमीर का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और अच्छे से इसको कोथमीर के साथ भी भून रही हूँ, कोथमीर के साथ भून रही हूँ। अभी इसमें मैं पानी डाल रही हूँ 4 ग्लास, क्योंकि 2 ग्लास चावल है, इससे ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से पानी को बॉयल होने देती हूँ। अभी मैं ऊपर से नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं नमक डाल रही हूँ, अपने स्वाद के हिसाब से डालो। अभी ये देखिए मैं चावल डाल रही हूँ, अच्छे से चावल पानी बॉईल हुआ है, उसके बाद डाल रही हूँ। ये देखिए सब चावल डाल चुके हैं, अभी अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसको बॉईल होने देती हूँ और थोड़ा पानी सूखने देती हूँ। और अच्छे से नमक टेस्ट कर दीजिए, मेरे हिसाब से अभी नमक बराबर है। ये देखिए अभी ये पानी पूरा सूख गया है, और इसको मैं अच्छे से अभी मिक्स करके दम पे रखूँगी कम से कम 20 मिनट। ठीक है, ये देखिए पानी सूख गया है, अभी मैं इसको दम पे रखूंगी जब तक और सूख जाएगा पानी। ये देखिए अभी मैं दम पे रख चुकी हूँ, अब मैं इसको 20 मिनट कम से कम रखूंगी, क्योंकि अभी ये दम पे है। कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पेपर में सब केमिकल रहते हैं, इससे अच्छा आप कोई भी एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और कपड़े से कीजिए। ये देखिए अभी मैं खोल रही हूँ, माशाल्लाह ये देखिए
हो गया है। ये देखिए पुलाव तैयार हो गया, यखनी पुलाव। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा जो मैंने बनाई हूँ। और दुआ में याद रखना, और जो मैंने जो पुलाव बनाई हूँ एक बार ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और मुझे दुआ में याद रखना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे सब्सक्राइब बढ़ाना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।